नमस्ते सर। नमस्कार सर, नमस्कार। स्क्रीन शीघ्रता से आपके सामने मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ। अभी स्क्रीन आप लोग को दिखाई देना शुरू हो चुकी होगी। मित्रों, एक बार यस बता दीजिए कि स्क्रीन जी दिखाई दे सर, रही दिख है। गई, दिख रही है सर। जी सर, जी सर, धन्यवाद सर। तो मित्रों, सभी का एक बार पुनः स्वागत है हमारी इस विशेष क्लासेस में। अभी आज क्लास थोड़ा सा पहले रख दी गई थी, कुछ कार्य हैं इसके चलते। कल से जहाँ तक फिर से सही हो जाएगा। और अब क्लास की शुरुआत में सबसे पहले मैं आपका सिलेबस दिखाना चाहूँगा। यहाँ देखिए कि आपके सामने सिलेबस है स्थिति विज्ञान का। एक बार स्थिति विज्ञान का सिलेबस जो लोग अपनी कॉपी में नहीं लिखे हैं वो नोट कर लीजिए, क्योंकि सिलेबस देख के पढ़िएगा, नहीं तो बहुत कन्फ्यूजन हो जाएगा। आपको लगेगा कि हमारा स्थिति विज्ञान बहुत टफ है, मगर जो TGT के लिए स्थिति विज्ञान है उसमें कुछ ज़्यादा नहीं है, वो काफ़ी सरल है एक तरीके से चर्चा की जाए तो। TGT का जो स्थिति विज्ञान है उसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं है। 3 बलों पर लगे पिंडों का संतुलन, मतलब 3 बल लगे पिंडों का संतुलन हम लोग पढ़ ही रहे हैं। 3 बल आ जाएँ, 4 बल आ जाएँ, हम लोग पढ़ रहे हैं। उसके बाद लामी का प्रमेय पढ़ा चुका हूँ मैं, त्रिभुज का नियम पढ़ा चुका हूँ, त्रिकोणमिति प्रमेय बच्चों बीच बीच में आती रहेंगी दोस्तों, तो वो मैं बताता जाऊँगा। 2 समकोणीय बलों में नियोजन, ये नियोजन नहीं है एक्चुअली, ये वियोजन है। वियोजन नियोजन नहीं है, ये वियोजन है। और संतुलन के सामान्य प्रतिबंध एवं गुरुत्व केंद्र, तो संतुलन के प्रतिबंध भी बीच बीच में आते रहेंगे, मैं बताता रहूँगा संतुलन की स्थिति, गुरुत्व केंद्र। इसके बाद गति विज्ञान में गुरुत्व के अधीन ऊर्ध्वाधर समतल में गति, प्रक्षेप की गति, इसका मतलब कि क्या है ये। पहला वाला जो पार्ट है वो है 1 विमीय गति, और दूसरा वाला पार्ट है 2 विमीय गति। 2 विमीय गति मतलब प्रक्षेप गति, और 1 विमीय गति मतलब वही 3 समीकरण जो मैंने आपको पढ़ाए थे, वही 3 समीकरण आएंगे। कार्य ऊर्जा सामर्थ्य यानी कि शक्ति, और MKS प्रणाली में गणना, तो पूरा MKS में ही निकालेंगे, मीटर किलोग्राम सेकेंड। कार्य ऊर्जा सामर्थ्य, तो देखा जाए मोटे तौर पे हम लोगों ने अभी तक इसमें कार्य ऊर्जा सामर्थ्य नहीं पढ़ा है और गुरुत्व केंद्र नहीं पढ़ा है, बाकी लगभग लगभग हमने सब कुछ टच कर लिया है। तो ये TGT का सिलेबस है, और ये देखिए PGT का सिलेबस है। PGT में बहुत कुछ अलग है, बहुत ही ज़्यादा अलग है, तो जो TGT वाले हैं वो PGT के क्वेश्चन को देख के घबराया ना करिए, आना ही नहीं है तो क्यों घबराना भाई, है ना। तो उतने लेवल के क्वेश्चन जो PGT के दिखते हैं वो नहीं आएंगे आपको बिल्कुल भी। चलिए मित्रों, तो इसी के साथ शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। पिछली क्लासेस में कुछ क्वेश्चन हमने करा दिए थे, वो आपको याद होंगे, आज उनके आगे बढ़ेंगे। ये हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल ये भी करा दिया था, 45+ थीटा, 45-माइनस थीटा। सामान्य कैंटेनरी ये आपके TGT में है ही नहीं है। फिर मैंने हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल पढ़ाया था, और हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल का डायरेक्टली फार्मूला याद कर लीजिए, प्रक्षेप का वाई का, इसका जो प्रक्षेप का परास जो होता है वो होता है A/B। मित्रों, मेरी आवाज़ सभी को मिल रही होगी, तो मैंने इसको डेवलप कराया था, बहुत मेहनत करनी होती है, इतनी मेहनत कौन करे। सीधे याद कर लीजिए कि क्षैतिज प्रक्षेप का जो परास होता है, अगर वाई बराबर AX-BX² की फॉर्म में दिया गया है, तो प्रक्षेप का जो परास होगा वो होगा A/B। बताइए मित्रों, सही है, समझ में आ गया? बताइए एक बार, रिप्लाई कीजिए सभी लोग, माइक ओपन हाँ करके। सर, हाँ जी जी सर, हाँ जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। तो रिप्लाई सभी लोग करते रहें, बोलें, बीच में बातचीत करें, कहीं पर कोई दिक्कत आती है तो बताइए जरूर। चलिए खैर, अब देखिए जी, अगला जो टॉपिक है वो है प्रत्यास्थ का, प्रत्यास्थता वाला टॉपिक है, और प्रत्यास्थता वाला टॉपिक जो है आपके वो TGT में नहीं है, तो प्रत्यास्थता वाले क्वेश्चन जो है अपन नहीं करेंगे। TGT में प्रत्यास्थता वाले क्वेश्चन अपन को नहीं करना है। हाँ जी सर, चलिए प्रश्न क्रमांक 14 पे आ जाइए। अब करना है हमें प्रश्न क्रमांक 14, जो कि बहुत सरल सवाल है। चलिए प्रश्न क्रमांक 14 करेंगे सभी लोग, स्टार्ट कीजिए करना। एक शांत तालाब में एक पत्थर डाला जाता है जिससे कि वृत्ताकार तरंगे 5 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की गति से हलचल करती हैं। वृत्ताकार तरंगों की जब त्रिज्या 8 सेंटीमीटर होती है तो तुरंग से व्यापित क्षेत्र कितनी गति से बढ़ता है। क्षेत्रफल की रफ्तार निकालनी है, मतलब एरिया बाई टाइम निकालना है। नीरज पांडे सर, आपका माइक थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा है, उसको सही कर लीजिए, ठीक है, म्यूट कर लीजिए, मेरे कहने का मतलब। हाँ चलिए करिए जल्दी से, बहुत ही सरल सवाल है, इसमें कुछ भी बताने जैसा नहीं है, क्योंकि केवल इसमें डिफरेंशिएशन लगना है और कुछ भी नहीं लगना है।
14वां क्वेश्चन करें। जिसको बिल्कुल आइडिया नहीं है, सर समझ में नहीं आ रहा, वो बिल्कुल बोल सकता है कि सर हमें बिल्कुल नहीं आता है। बताइए कितना होगा, क्षेत्रफल किस दर से बढ़ेगा, क्षेत्रफल किस दर से बढ़ेगा बताइए। जिनको नहीं आता है वो शर्माए नहीं, वो पूछ लगते हैं कि सर हमें इसका कंसेप्ट नहीं पता है। कहाँ का क्वेश्चन है, 12वीं क्लास का क्वेश्चन है, 12th का मैथ का क्वेश्चन है, 12वीं क्लास का NCERT का क्वेश्चन है। नहीं आ रहा सर, समझ में। चलिए सर, ठीक है। देखिए सर क्या कह रहा है इसमें कि एक कण है जो कि शांत तालाब में फेंका जाता है जिससे वृत्ताकार तरंगें 5 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। तो सबसे पहला काम है, इसको बड़े ध्यान से देखिए, जो 5 सेंटीमीटर प्रति सेकंड है इसको आप बहुत ध्यान से देखिए सबसे पहले, क्योंकि ये आपको बताएगा कि क्या हो रहा है। इससे आइडिया लग जाएगा आपको कि क्या हो रहा है, ठीक है ना। तो 5 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की तरंग से गति चलती है, ठीक है। तो कैसे करेंगे इस प्रश्न को देखिए। मान लीजिए आपके पास में एक तालाब है और तालाब में 5 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से त्रिज्या बढ़ती है। मतलब ये क्या, त्रिज्या समय के साथ बढ़ रही है, मतलब dr/dt समय के साथ त्रिज्या में परिवर्तन कितना हो रहा है, 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। और आपको पूछा गया है एरिया का परिवर्तन समय के साथ बताइए, तो आपको निकालना है dA/dt। तो dA/dt मतलब d/dt और तालाब कैसा है, वृत्ताकार है, प्रश्न में दिया आया है, सर्कुलर वेव बन रही है ना। तो मतलब तरंग जो बन रही है सर्कुलर बन रही, तो जो क्षेत्रफल बनेगा वो भी वृत्ताकार बनेगा। तो वृत्ताकार क्षेत्रफल का स्क्वायर कितना होगा, πr². तो यहाँ पर आएगा dA/dt πr². तो dA/dt अपन को निकालना है, पाई आ गया बाहर, अंदर dA/dt किस पे लगेगा, r² पे। तो जानते होंगे आप लोग कैसे सॉल्व करते हैं, चेन रूल से पाई dA/dr और कितना, r² और यहाँ पर dR/dt कर दिया अपन ने। तो पाई की वैल्यू कितनी होती है, पाई रहन दीजिए, dA/dr कितना हो जाएगा r² का 2r डिफरेंशिएशन, और dR/dt आपको दिया हुआ है कितना, 5 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड, 5 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड। तो 5 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड कब निकालना है, जिस समय त्रिज्या 8 सेंटीमीटर, मतलब r की वैल्यू 8 रख दीजिए, तो पाई इंटू 2 × 8 × 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। और क्योंकि क्षेत्रफल है तो क्षेत्रफल मिला करके त्रिज्या भी क्या होगी, सेंटीमीटर में, और सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर होगा सेंटीमीटर स्क्वायर, 2 × 8 2 × 5 10 10 × 8 80 आंसर हुआ 80 πcm² प्रति सेकेंड। ये लिखा है 80 πcm² प्रति सेकेंड। बताइए कोई दिक्कत है किसी को, बताइए कोई दिक्कत किसी को, 80 πcm² प्रति सेकेंड, सभी को क्लियर हो गया ना। तो देखिए क्या था, यहाँ पर त्रिज्या बदल रही थी, त्रिज्या बदल रही थी। अब मैं इसके बारे में आपको थोड़ी सी चेतावनी देना चाहूँगा इस प्रश्न के बारे में, कि जब इस प्रश्न को सॉल्व करें तो ध्यान से देख लीजिएगा कि आपको जो परिवर्तन निकालना है क्षेत्रफल का, वो त्रिज्या के रिस्पेक्ट में निकालना है कि समय के रिस्पेक्ट में, है ना। वैसे कह रहा कितनी गति से, गति बताना है, तो गति समय के रिस्पेक्ट में दी जाती है। तो प्रश्न में एक बार अच्छे से देख लीजिएगा कि समय के रिस्पेक्ट में निकालना है या त्रिज्या के रिस्पेक्ट में निकालना है, क्योंकि अगर त्रिज्या के रिस्पेक्ट में निकालना होता तब आप dA/dt नहीं करते, तब आप dA/dr करते, तो उस समय आपका उत्तर कुछ अलग आता। समझ रहे हैं मित्रों। हाँ चलिए जी,
अगला क्वेश्चन टीजीटी 2001 का आया है। एक कण जो विराम अवस्था में है, एक नत समतल पर है जो 36 से 30 डिग्री का कोण बनाता है। यदि कण फिसलना शुरू कर दे तो उस समय कण का त्वरण क्या होगा जब समतल का 36 से कोण 60 डिग्री कर दिया जाए तो? बहुत बढ़िया सवाल। देखिए ये जो सवाल है टीजीटी में आया है और ये घर्षण के कंसेप्ट से, इसमें थोड़ा सा घर्षण का कंसेप्ट लगेगा। तो आइए मित्रों अब हम थोड़ा सा आपको घर्षण का कंसेप्ट पढ़ा देते हैं। तो मित्रों हम आपको अब घर्षण का कंसेप्ट पढ़ा रहे हैं। तो घर्षण में एक घर्षण होता है जिसको बोलते हैं सीमांत घर्षण बल। सीमांत घर्षण बल ये जो होती है, सीमांत घर्षण घर्षण बल क्या होता है? ये होता है घर्षण बल का अधिकतम मान, ठीक है ना? ये होता है घर्षण बल का अधिकतम मान। तो देखिए क्या होता है, जैसे मान लीजिए आप जो है, आपके पास कोई वस्तु रखी है और ये दो पट्टे एक के ऊपर एक रखे हुए हैं और इनके ऊपर कोई वस्तु रखी हुई है, तो ये वस्तु रखी रहेगी। फिर धीरे धीरे आप इस पट्टे को उठाना शुरू करिए, एक स्थिति आएगी कि ये वस्तु बिल्कुल गिरने वाली ही होगी। बस कि थोड़ा सा आपने बस 0 डिग्री 0.1 डिग्री भी उठाया तो ये सटाक से नीचे की तरफ गिर जाएगी, सटाक से नीचे की तरफ गिर जाएगी। तो इस समय जो कोण बनता है यहाँ पर, ये कोण कहलाता है नमन कोण। क्या कहलाता है? ये नमन कोण। तो नमन कोण कब बनता है? नमन कोण का परिभाषा, नमन कोण की परिभाषा नोट करेंगे। नमन कोण की परिभाषा है नत तल, है ना? नमन कोण की परिभाषा है नत तल का क्षैतिज के साथ का कोण। नत तल का क्षैतिज के साथ कोण, नत तल का क्षैतिज के साथ कोण किस स्थिति में? नत तल का क्षैतिज के साथ कोण सीमांत स्थिति में। जी हाँ, सीमांत स्थिति में, सीमांत स्थिति में नत तल का क्षैतिज के साथ कोण, मतलब बिल्कुल बस गिरने वाला हो, उस समय जो कोण बनेगा वो कहलाएगा थीटा। और थीटा के साथ अगर टेन लगा देंगे तो बन जाएगा टेन थीटा। तो टेन थीटा जो होता है वो किसके बराबर होता है? म्यू के। और म्यू क्या कहलाता है? घर्षण गुणांक। म्यू कहलाता है घर्षण गुणांक, ठीक है ना? और म्यू की वैल्यू जो होती है वो 0 से लेके 1 के बीच में हुआ करती है। अगर म्यू की वैल्यू 0 के बराबर है मतलब घर्षण रहित तल होगा, अगर म्यू बराबर 0 होगा इसका मतलब घर्षण रहित, कि घर्षण बिल्कुल नहीं होगा भैया। तो म्यू बराबर 0 होने पर घर्षण रहित। चलिए खैर, तो हम काम की बातें, मैंने अभी अभी आपको बताया, अभी मैंने क्या कैसे कहा आपको नमन कोण, नमन कोण का मतलब ये वाला कोण जो कि सीमांत स्थिति में नत तल बनाता है, ये कोण कहलाता है नमन कोण। अब बच्चों नमन कोण जब है तो घर्षण लग रहा है, तो दो स्थिति में आपको पढ़ा रहा हूँ। पहला, जब घर्षण ना हो और जब घर्षण हो उस समय त्वरण क्या होगा। तो अब मैं क्या पढ़ा रहा हूँ आपको? नत तल में त्वरण। हेडिंग डाल लीजिए कॉपी, नत तल में त्वरण। कोई आपको बिल्कुल काम की चीज़ सीखनी है उसी में से आपका सवाल हल हो जाएगा, कोई फिजिक्स में PhD करने की ज़रूरत नहीं है। नत तल में त्वरण, तो ये लीजिए नत तल में त्वरण। अगर वस्तु घर्षण रहित सरफेस पे गिरे तो ये नीचे की ओर भकभका के गिरेगी, बिल्कुल सरपट, एकदम ही बिल्कुल सरपट। तो इसका त्वरण क्या होगा? जब बिल्कुल नत तल में त्वरण होगा और घर्षण रहित मतलब म्यू बराबर 0 है परिस्थिति में, तो त्वरण का मान लिख लें बच्चों A = g sin θ। हाँ, ए बराबर क्या होगा? g sin θ, ठीक है?
ए बराबर जी साइन थीटा, और दूसरा अगर सर माइक ऑफ कर लीजिए, एस टी डॉट एस एफ ई डी, सर साउंड आ रहा है, माइक ऑफ कर लीजिए। हाँ जी सर, थैंक यू। तो दूसरा जो है ये पहला है नत तल में त्वरण, जिस समय म्यू बराबर कितना है, जीरो है। दूसरी परिस्थिति देखिए, अगर सरफेस में घर्षण शून्य नहीं है, तो घर्षण शून्य नहीं है मतलब म्यू जिंदाबाद होगा, उस समय नीचे की ओर तो जी साइन थीटा लगेगा त्वरण, है ना, मगर ऊपर की ओर भी लगता है, ऊपर की ओर भी त्वरण लगता है। कितना त्वरण लगता है ऊपर की ओर, ऊपर की ओर त्वरण लगता है म्यू जी कॉस थीटा, म्यू जी कॉस थीटा, और जो कुल त्वरण होता है ए बराबर जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा। तो लिखिए घर्षण की अवस्था में जो त्वरण होगा, तो दो सवाल यहाँ से आपके बनेंगे मित्रों। एक, जब घर्षण नहीं लगेगा, चिकना तल, चिकने तल पर घर्षण नहीं लगेगा, तो उस समय एक सवाल बनेगा घर्षण रहित वाला, और दूसरा जब घर्षण लगेगा तो दूसरा सवाल बनेगा, उसमें आपका लगेगा फॉर्मूला ए बराबर जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा। तो घर्षण की परिस्थिति में सवाल क्या बनेगा, ए बराबर जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा, तो जी कॉमन ले लीजिए, क्या बन गया, साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा। अच्छा भैया, और म्यू का मान मैंने क्या बताया आपको, म्यू मतलब घर्षण गुणांक काहे के बराबर होता है, टेन थीटा के, टेन थीटा मतलब नमन कोण के स्पर्श जाके। तो भैया अब जो आपके पास सवाल है उसमें देखो क्या क्या होने वाला है, अब जो आपके पास सवाल है उसको लगाइए, ये आपके सवाल दिया गया है, ठीक है ना, ये आपके पास सवाल दिया गया है, एक सेकंड भाई, सॉफ्टवेयर थोड़ा सा दिक्कत कर रहा है, कोई बात नहीं, ये आपके पास सवाल दिया गया है। इस स्थिति में एक कण जो विरामावस्था में है नत तल पर है, और जो कितना डिग्री, 30 डिग्री कोण बना रहा है, और उस समतल को 60 डिग्री कर दिया गया है, ठीक है ना, मतलब पहले आप इसको 30 डिग्री पर सीमांत अवस्था में आ गया था, 30 डिग्री पर ये सीमांत अवस्था में आ गया था, ठीक है। बच्चों इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मेरे को इसको थोड़ा सा ये अपना पीपीटी को ओपन करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें ये हर स्लाइड में गड़बड़ी हो रही है, ले लिया स्क्रीनशॉट आपने, स्क्रीनशॉट ले लिया, सूरज सर नमस्ते, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सर, क्लियर हो रहा है एकदम सही है, हाँ हाँ सर क्लियर हो रहा है सर, मैं तो खुद ही सर 10 मिनट लेट हो गया ज्वाइन करने में, 15 मिनट, चलिए सर कोई नहीं। तो सर देखिए म्यू टेन थीटा सबसे पहले निकालते हैं, तो सीमांत घर्षण बल के लिए, सीमांत स्थिति के लिए म्यू निकालते हैं, तो ये सवाल में आपको सारे डेटा पता चल चुका है, थीटा कितना है 30 डिग्री, तो म्यू बराबर टेन थर्टी, टेन थर्टी बराबर कितना होता है रूट थ्री, तो ये आ गया म्यू बराबर 1/√3 होता है, हाँ जी सॉरी 1/√3 होता है, तो यहाँ पर म्यू की जगह 1/√3 आ जाएगा। चलिए तो त्वरण निकालते हैं, कितना त्वरण होगा, जी का मान कितना होता है, वैसे 9.8 होता है ना, 9.8 रख दीजिए जी का मान, जी बराबर 9.8। अब साइन थीटा फाइनली कितने कोण पे है भैया, 60 डिग्री कोण पे है, देख लो बॉडी, तो साइन 60 मतलब √3/2, साइन 60 इसका मतलब √3/2 माइनस म्यू, म्यू कितना निकाल चुके हैं भैया, म्यू कितना निकाल चुके हैं, अच्छा जी कॉमन ले चुके हैं, तो यहाँ से जी हटा देना भैया, मिसप्रिंट हुए, अच्छा यहाँ पे म्यू कितना निकाल चुके हैं 1/√3, और कॉस थीटा यानी कॉस 60, और कॉस 60 का मतलब कितना होता भैया 1/2, ठीक है, तो यहाँ आया 9.8 ब्रैकेट में √3/2 माइनस √3/2 माइनस 1/√3, तो 9.8 यहाँ पे एलसीएम आएगा 2√3, 2√3 में 2 डिवाइड हुआ, √3 ऊपर गया तो क्या बन गया 3,
और इखा का बचेगा वन, तो 9.8 मल्टीप्लाई बाई 3 में से 2 गए कितना बचा, 3 में 1 गए बचा 2 और नीचे 2√3, 2 से 2 कैंसिल, आंसर 9.8 अपॉन 2√3, 9.8 बाई रूट 3। चलिए चेक करते हैं ऑप्शन में, 9.8 बाई रूट 3 नहीं है, डेसिमल ब्रेक कर दिया है, 98 बना दिया है, तो 9.8 का डेसिमल ब्रेक करिए, 98/10√3। चलिए फ़ोटो खींच लीजिए, छाप लीजिए इसको, यही इसका आंसर है। बोलिए समझ में आया? यस सर। सूरज सर क्लियर है सभी को? हाँ हाँ सर क्लियर है सर। ठीक है सर, चलिए सर, ये थोड़ा सा सर मिसप्रिंट इसके चक्कर में हो रहा है, मेरे को इसको क्लोज करके एक बार और स्टार्ट करना पड़ेगा। अच्छा सर, इसमें जो स्टार्टिंग में एंगल होता है वो उसके 10 के लिए यूज करेंगे, जो लास्ट में फिसलने की स्थिति होती है लास्ट वाला एंगल दोनों यूज करेंगे साइन थीटा कॉस थीटा में। सर मैंने बताया ना आज कि सर सबसे पहले आपको घर्षण कोण उसको स्थिति में सीमांत स्थिति में आपको निकालना पड़ेगा, है ना सर? जी जी जी। हाँ तो सीमांत स्थिति में क्या निकलेगा सर? सीमांत स्थिति में अपन के पास वो निकल म्यू निकलेगा, म्यू निकलेगा। हाँ और म्यू कब निकलेगा? जब बॉडी बिल्कुल गिरने वाली होगी, है ना? जी जी। और उसके बाद का जो त्वरण है जी साइन थीटा, जी साइन थीटा सर जितना थीटा दोगे उतना जोर का जी है बनेगा, हाँ या ना? हाँ तो जी साइन थीटा उसके हिसाब से फिर बदलेगा, तो अपन को म्यू निकालना है। बिल्कुल सही सर। चलिए मित्रों आगे अगला सवाल। अगला सवाल है हमारे पास में, यस ये सवाल है, एक कण एक कण एक सरल रेखा में समीकरण x बराबर 40³ + 2t + 5 के अनुसार गति कर रहा है, जहां x मीटर में तथा t सेकंड में है, तब चारवें अरे भैया चारवें नहीं होगा चौथे सेकंड में कर्ण का औसत त्वरण ज्ञात कीजिए। हाँ मतलब चारवें सेकंड में कुल त्वरण कितना हुआ है वो यह ज्ञात करना है। मतलब देखो भैया क्या होगा, यहाँ से गति शुरू हुई टी बराबर जीरो, गति करना बॉडी शुरू करी इस तरीके से, यहाँ पे टी बराबर एक सेकेंड, टी बराबर दो सेकेंड, टी बराबर तीन सेकेंड, और तीन के बाद यहाँ से लेके यहाँ तक चला है चौथा सेकंड पूरा का पूरा। इस चौथे सेकंड में आपको निकालना है एवरेज त्वरण कितना होगा, एवरेज त्वरण इस चौथे सेकंड में आपको निकालना है एवरेज त्वरण। तो आप लोग सब लोग को एवरेज निकालना आता है, भैया इस बिंदु का त्वरण और इस बिंदु का त्वरण का आधा ले लो, क्योंकि दो बिंदु हैं, दो बिंदुओं पर मान निकाल करके उसका आधा ले लीजिए, तो आपके पास एवरेज यानी कि औसत त्वरण आ जाएगा। बोलिए सवाल समझ में आया कि नहीं आया? आ गया? हेलो 84 आया क्या सर? 84 देखना पड़ेगा आंसर सर, ऐसे तो नहीं कर पाएंगे। हाँ पहले तो मेरे को ये जवाब दीजिए, सवाल समझ में आया कि नहीं आया? जी जी सर। चलिए देखते हैं तो भैया कैसे होगा। तो देखो x दिया है, तो x मतलब विस्थापन है, तो ये तो सबको इतना मैथमेटिक्स आता होगा कि भैया वेग जो होता है वो क्या होता है, विस्थापन में वेग परिवर्तन, विस्थापन परिवर्तन की दर वेग होती है, और वेग परिवर्तन की दर क्या होती है, त्वरण होती है। तो सबसे पहले एक बार डिफरेंशिएट करो तो वेग आ जाएगा, दो बार डिफरेंशिएट करो तो त्वरण आ जाएगा, और फिर इस त्वरण का मान आपको दो सेकेंड पर निकालना पड़ेगा, एक जगह A3 और एक जगह A4, मतलब एक जगह टाइम की वैल्यू 3 सेकंड रख देना, एक जगह टाइम की वैल्यू 4 सेकंड रख देना, और दोनों निकाल के भाग क्या दे देना, 2 से, तो आंसर आ जाएगा। चलो सोल्यूशन देखते हैं, ये देखिए सोल्यूशन एकदम क्लियर कट है, त्वरण आया है 24t, 24t में टी का मान 3 सेकंड, तो 24 3 72 और फिर 24 4 96, 2 को जोड़ के 2 का भाग दे दिए क्योंकि औसत निकालना है। कही एकदम क्लियर है? जी सर। अच्छा जब चौथे में चौथा जब पूछता है तो मतलब तीसरे चौथे को लेके लेके चलते हैं पूरा, दोनों का एवरेज निकालते हैं।
गुरुजी चौथे सेकंड में बोला है, कल हम बताए थे आपको, चौथे सेकंड में चली गई दूरी और चौथे सेकंड तक चली गई दूरी, हाँ या ना? हाँ। पांचवे ओवर में 6 बॉल फेंकी जाएगी, मगर पांचवे ओवर तक में 30 बॉल फेंकी जा चुकी होंगी, है सर? जी सर, जी सर। हाँ, वैसे इसमें इसमें पूछता है। चलिए अगला सवाल। एक कण समान त्वरण, वाह भाई, समान त्वरण मतलब ताला लगा लो ए, फिक्स हो गया ए, से चलते हुए पहले और दूसरे सेकंड में कृपया क्रमशः 20 तथा सीट 60 चलता है। देखो भैया, समान त्वरण से चल रहा है, पहले सेकंड में कितना चल रहा है 20, और दूसरे सेकंड में कितना चल रहा है 60। मतलब ये वही वाला क्वेश्चन है जिसकी सर जी अभी बात कर रहे थे। एस फर्स्ट बराबर 20 है और एस सेकंड बराबर 60 है, तो भैया बताओ कण का प्रारंभिक वेग क्या है, यू का मान ज्ञात करना है। चलो शुरू हो जाइए, जल्दी से करिए करिए, जल्दी से बनेगा कि नहीं बनेगा बताइए, जरूर बनेगा। कल का फॉर्मूला याद है कि मैं बताऊं, एनवे सेकंड में चली गई दूरी, देखिए उससे भी निकाल सकते हैं। अब पहले सेकंड में 20 चल रहा है तो एस फर्स्ट 20 है और एस टू 60 है, या ये भी कर सकते हैं, अब पहले सेकंड में कहो चाहे पहले सेकंड तक कहो, बात बराबर है, 20 निकलेगा। मगर अगर दूसरे सेकंड तक कहूँगा तो 20 यहाँ का और 60 यहाँ का, मतलब ये एस 80 लग जाएगा। अब आप इसमें ये वाला फार्मूला भी लगा सकते हैं, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो दो तरीके हैं आपके पास इस सवाल को करने के, चाहे पहले वाला कर लो चाहे दूसरा वाला कर लो। आया किसी का आंसर, प्रारंभिक वेग क्या है? सर 10 मीटर पर सेकंड। 10 मीटर पर सेकंड प्रारंभिक वेग आ गया आपका। चलिए देखते हैं जी 10 मीटर पर सेकंड सही है कि नहीं है। गलत आ रहा है, देखिए आंसर तो 0 दिया गया है, इन लोगों ने मेथड नंबर 2 से सॉल्व कर दिया है बुक वालों ने। देखिए पहला दूरी कितनी है, एक सेकंड में 20 चला है तो 20 बराबर यू टी यानी कि यू बन जा यू प्लस हाफ ए बन जा ए, यानी कि यू टी बराबर यू प्लस हाफ ए। सॉल्व करेंगे तो 22 जा 40 बराबर 2u प्लस a, समीकरण नंबर 1। अगला दूसरे समीकरण में h2, तो h2 यानी कि टोटल कर लिया, तो 2 सेकंड तक पहला 60 और 20 80 टोटल कर लिया है, क्योंकि 2 सेकंड में टोटल कर लिया तो h2 का फॉर्मूला लग गया सेकंड वाला 80, तो 80 बराबर 2u प्लस हाफ a इंटू टी का स्क्वायर यानी कि 4 हो जाएगा। ठीक है, तो इंटू टी का स्क्वायर मतलब कि 4 हो गया। सॉल्व कर देते हैं, यहाँ से कैंसिल, तो 2u प्लस 2a इसको कॉमन ले लीजिए, तो 40 बराबर u प्लस a, 2 लेके कैंसिल कर दिए, तो 2u प्लस a समीकरण नंबर 2। एक काम कीजिए, माइनस कर दीजिए एक में से 2 को, तो 40 में से 40 गया 0, 2u में से u गया u, ओके, और a से a कैंसिल, तो आंसर u बराबर 0। नोट कर लीजिए, सही है जी, आया समझ में सबको? समझ में आया आ गया? हाँ हाँ सर, आ गया सर। ओके सर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, नया क्वेश्चन है, एक पिंड बारी बारी से समान वेग। हाँ बेटे बोलिए जी, क्या दिक्कत है, बोलिए, कोई बोल रहा है? हाँ, किसी कुछ पूछना है? चलिए, एक पिंड बारी बारी से समान वेग से दो विभिन्न कोणों पर फेंका जाता है, दोनों बार ही परास समान हो और उड्डयन काल टी तथा टी डैश हो। देखो भाई साहब, एक पिंड बारी बारी से दो भिन्न भिन्न कोणों पर फेंका जाता है और दोनों बार परास समान हो, दोनों बार ही परास जो है अपने पास समान है। तो भैया साफ क्लियर है कि दोनों बार परास समान है, मतलब एक कोण आपका थीटा होगा तो दूसरा कोण क्या है 90 माइनस थीटा,
क्योंकि आपने परास्मान करने की बात कर दी है। अब कह रहा है कि दोनों के उड्डयन काल टी और टी डैश हों, तो आपको जो आपका परास लेके आना है, जो आपको अपनी परास लेके आना है, वो लेके कितने पे आना है आपको, वो आपको टी के पदों में लेके आना है। आइए करते हैं इस सवाल को। एक पिंड बारी बारी से दो विभिन्न कोणों पर फेंका जाता है, तो मान लीजिए पहला कोण है थीटा और दूसरा कोण है 90 माइनस थीटा और समान वेग है, ठीक है। तो सॉल्व करने के लिए वेग, मान लीजिए वेग बराबर u और पहला कोण थीटा 1 बराबर थीटा और दूसरा कोण थीटा 2 बराबर कितना 90 माइनस थीटा। क्यों? क्योंकि परास समान होने के लिए कोण एक दूसरे के क्या होने चाहिए, क्या बोलते हैं इनको, कॉम्प्लीमेंट्री हिंदी में इनको क्या बोलते हैं भैया, कॉम्प्लीमेंट्री यानी कि कोटिपूरक कोण। हाँ जी भैया, तो सर ये हो गया अपने पास में। तो R बराबर सबसे पहला निकालते हैं R, R का पहला फॉर्मूला R1 कह लो या R2 कह लो, कोई दिक्कत नहीं है। R1 R2 दोनों बराबर होंगे, R1 बराबर R2, R का फॉर्मूला में यहाँ हम खोपचा में लिखे देते हैं, R बराबर होता है यू स्क्वायर साइन टू थीटा अपॉन जी साइन टू थीटा। तो पहला वाला फार्मूला निकलेगा R बराबर यू स्क्वायर साइन ऑफ टू थीटा बाई जी, और दूसरा फार्मूला निकलेगा R बराबर यू स्क्वायर साइन टू, यहाँ क्या आएगा 90 माइनस थीटा बाई जी, ठीक है, यू स्क्वायर साइन 90 माइनस थीटा बाई जी, ठीक है भाई। तो अब ये तो होगा, खैर ये तो रिजल्ट पता है अपन को, इसकी कोई ज़्यादा खास इम्पोर्टेंस नहीं है। अब हमको क्या कह रहा है कि दोनों के जो उड्डयन काल हैं वो टी और टी डैश हैं। तो पहले थीटा कोण के लिए उड्डयन काल टी मान लो, तो टी बराबर कितना है 2u sin थीटा बाई जी, सबको हम पढ़ा रखे हैं उड्डयन काल कितना होता है 2u sin थीटा बाई जी। और दूसरा वाला उड्डयन काल मान लीजिए 2u sin थीटा की जगह में क्या आएगा 90 माइनस थीटा बाई जी, मतलब क्या हो जाएगा भैया 2u sin 90 माइनस थीटा बोले cos थीटा बाई जी, ठीक है ना, 2u cos थीटा बाई जी, ठीक है। अब जो रेंज है, रेंज टाइम के पदों में आ रही है, वाह वाह भाई पकड़ो रेंज को, रेंज दोनों बराबर हैं। तो R बराबर यू स्क्वायर, हाँ साइन टू थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, टू साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन कितना G। तो R बराबर हम एक U दे देते हैं, टू को बाहर करो, एक U दे दिए हम U साइन थीटा को और एक U दे दिए हम U कॉस थीटा को और अपॉन में कितना जी, सब हिसाब बराबर हो गया। अब देखिए यहाँ से, यहाँ से 2u sin थीटा ये पूरा का पूरा क्या बन जाएगा t इंटू जी, 2u sin थीटा ये जो हमको ज़रूरत है इसका वैल्यू कितना बन जाएगा, वैल्यू इसकी वैल्यू बन जाएगी t मल्टीप्लाइड बाई जी, और u cos थीटा यहाँ से कितना बनेगा, u cos थीटा बन जाएगा t डैश जी बाई टू, टी डैश जी बाई टू, और एक जी पहले ही से विद्यमान है आर के लिए, जी से जी कैंसिल, हमारा आर का मान आएगा टी टी डैश जी अपॉन टू, यस। तो आर का मान टी टी डैश जी अपॉन टू यानी कि वन अपॉन टू टी टी डैश जी, ये देखिए बिल्कुल सही आया है, आर का मान वन अपॉन टू टी टी डैश जी, ठीक है, वन अपॉन टू। अब देखिए इसमें यूनिट वाला फार्मूला इसलिए नहीं लग सकता था क्योंकि चारों का इकाई समान आ रहा है, मीटर 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 लगा के देख लीजिए, बस कन्फ्यूजन का है वन अपॉन टू वन अपॉन फोर कोफिशियंट में कन्फ्यूजन है, इसलिए हमको पूरा मेहनत करना पड़ा, नहीं तो इसको भी हम पहले जैसे सॉल्व कर देते। बोलिए सूरज सर, एकदम बढ़िया, एकदम बढ़िया सर, एकदम अच्छे समझ में आ गया सर। चलिए सर, हाँ चलिए भैया आ गया है अगला क्वेश्चन, घुमाओ फिराओ। वी वेग से गतिमान एक कण है एस बराबर पाँच पर कण का त्वरण क्या होगा, मतलब लड़ाई किसकी है, वेग की विस्थापन से लड़ाई है। आइए देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे इसको, विशेष परिस्थिति वाला क्वेश्चन है। सभी लोग जानते हैं कि वेग बराबर होता है डी एस बाई डी टी, बोले हाँ या ना, है ना जी, वेग बराबर होता है डी एस बाई डी टी, है ना, क्योंकि वेग बराबर विस्थापन में परिवर्तन की दर। अगर आप इसको, ये वेग बराबर आपने डी एस बाई डी टी कर लिया है,
अगर हमको त्वरण निकालना है तो त्वरण बराबर ए बराबर डी वी बाई डी टी, ए बराबर डी वी बाई डी टी, बोलिए जी, त्वरण बराबर हो जाएगा ए बराबर डी वी बाई डी टी, ठीक है ना। त्वरण निकालने के लिए डी वी बाई डी टी होता है, मगर जो सवाल है हमारे पास में वी वेग से गतिमान त्वरण, त्वरण तो निकालना है, बिल्कुल सही है। चलिए त्वरण निकालना है मतलब अब कहीं से इस पे एस को इन्वॉल्व करें, तो ए बराबर एक काम करिए डी वी डी एस का नीचे मल्टीप्लाई करिए और डी एस का ऊपर मल्टीप्लाई करिए, तो डी वी बाई डी एस आ गया और यहाँ डी एस बाई डी टी। डी एस बाई डी टी को हम क्या बोलते हैं, वी बोलते हैं, इसका मतलब ए बराबर वी और साथ में डी वी बाई डी एस। तो ये त्वरण का फॉर्मूला है और यहाँ पर आपको वेग को किसके पदों में अवकलन करना पड़ेगा, एस के पदों में। अब आइए करते हैं अवकलन, तो वेग बराबर क्या दिया है, वी स्क्वायर का फलन दिया है, वी स्क्वायर बराबर टू एस स्क्वायर प्लस फोर एस प्लस फाइव, वी स्क्वायर बराबर टू एस स्क्वायर प्लस फोर एस प्लस फाइव। तो क्या ले लीजिए, रूट ले लीजिए। हाँ हाँ बिल्कुल, ऐसा गलती नहीं करिएगा, रूट बिल्कुल नहीं लीजिएगा, फंस जाएंगे बहुत बुरा। सीधे डिफरेंशिएट करिए ना, वो तो दे ही देगा आपको, तो डिफरेंशिएट करिए एस के पदों में, तो क्या हो जाएगा, टू बाहर आएगा, टू टू भी बनेगा और क्या आएगा, डी वी बाई डी एस, टू भी डी वी बाई डी एस। अब एस का हो जाएगा कितना डायरेक्टली, फोर एस, और यहाँ कितना बचेगा, फोर, तो वी डी वी बाई डी एस निकाल लीजिए, टू काट दीजिए इधर से, कितना आया, टू एस प्लस टू। हाँ यहाँ सर सर ठीक है जी, वी डी वी बाई डी एस को क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन बराबर टू एस प्लस टू। अब देख लीजिए पर्टिकुलर कोई मान दिया है क्या एस का, हाँ दिया है, फाइव दिया है, तो दो पंचे दस और दो कितना हो गया, बारह, आंसर 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आइए देख लेते हैं, बिल्कुल सही, 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और फार्मूला डायरेक्टली याद करना हो तो याद कर लीजिए, ए बराबर वी मल्टीप्लाई बाई डी वी बाई डी एस, नोट करिए। आज विद्यार्थी कुछ कम जुड़े हैं सूरज सर, सूरज सर आवाज नहीं आ रही, सूरज सर की लगता है कहीं व्यस्त हो गए। हाँ सर मैं ये कह रहा हूँ सर कि आज मैं थोड़ा लेट ज्वाइन हो पाया। अरे आपकी नहीं बोल रहा हूँ मैं, अन्य विद्यार्थी भी आज नहीं जुड़े हैं सर। मैं जान रहा हूँ सर, एक्चुअली सर मैं किसी टेलीग्राम ग्रुप पे इसका लिंक शेयर नहीं कर पाया ना, मैं जुड़ गया, मैं सोचा कि लोग अब इतने तो सिंसियर हो ही गए होंगे कि हमको क्लास अटेंड करनी है। अच्छा अच्छा अच्छा, आ जाना चाहिए, उनको टाइम भी इन्फॉर्म कर दिया गया है। मुझे लगा मेरा पढ़ाया समझ में नहीं आ रहा क्या। नहीं नहीं सर ऐसी बात नहीं है। चलिए सर अगला सवाल करवाते हैं, अगला सवाल लिखिए मित्रों, बहुत ही सरल सवाल। यदि किसी कण के प्रक्षेपण कोण 60 डिग्री है, क्षैतिज परास और उड्डयन काल का अनुपात 5:2 है, तो प्रक्षेपण का वेग क्या होगा, उड्डयन काल, क्षैतिज परास और उड्डयन काल का अनुपात 5:2 दिया गया है, तो इसमें दिमाग चलाना पड़ेगा, स्वयं ही कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, कोई स्टैंडर्ड फार्मूला नहीं लग रहा है तो खुद ही इसको करना पड़ेगा। आइए देखते हैं, यदि किसी कण के प्रक्षेपण कोण 60 डिग्री है, लो भैया जेब में रख लो, थीटा बराबर 60 डिग्री, क्षैतिज परास और उड्डयन काल का अनुपात 5:2 है, मतलब आर बटे टी का अनुपात कितना है, 5:2। चलिए सॉल्व करते हैं, आर अनुपाते टी, बेहद सरल सवाल। यू स्क्वायर साइन टू थीटा, वक्त की नज़ाकत को देखते हुए साइन टू थीटा को तोड़ लीजिए, टू साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन यू स्क्वायर साइन टू थीटा बाई जी, और यहाँ पे 2u sin theta by g, कैंसिल कैंसिल, एक u से एक u भी कैंसिल, 2 से 2 भी कैंसिल, sin theta से sin theta भी कैंसिल, r upon t का अनुपात दिया है 5:2, निकालना क्या है यार, सब तो गायब कर दिया, u निकलेगा, u और cos theta, cos 60 डिग्री, थ्रो एंगल करा है 60 पर, तो 5:2 बराबर यू गुणे 1:2,
खेल खत्म, आंसर u बराबर 5 मीटर पर सेकंड का वेग। समझ में आया मित्रों? आ गया सर समझ में? जी सर। आपने लिंक शेयर कर दी क्या सर टेलीग्राम पे? अभी अभी सर शेयर किए ना, तभी तो लोग आ रहे हैं। यस सर, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलिए सर, अच्छी बात है। तो u बराबर 5 आ गया मित्रों, बिल्कुल सही जवाब है हमारे आंसर का। चलिए अगला सवाल। हाँ, अब भैया हम पढ़ा रहे हैं आपको सापेक्षिक वेग, नया कंसेप्ट आ गया है। हालांकि पीजीटी में आया है, टीजीटी में इसका क्वेश्चन अभी तो नहीं समझ दिखा है हमको, परंतु फिर भी एक बहुत छोटा सा कंसेप्ट है सापेक्षिक वेग, ठीक है ना। तो हेडिंग डालिए मित्रों सापेक्षिक वेग, सापेक्षिक वेग। मित्रों जब आप कभी देखते होंगे, आप लोग दो लोग दो दोस्त कभी गाड़ी चलाते हैं, या एक ट्रेन आगे चल रही हो दूसरी ट्रेन पीछे चल रही हो, तो उस समय आप जो है अपना वेग जो है अपने वेग को दूसरे के समपक्ष में नापते हैं, तो वो कहलाता है रिलेटिव वेग या सापेक्षिक वेग, रिलेटिव वेलोसिटी। तो इसका फॉर्मूला सीधे लिख लीजिए, वी ए बी मतलब ए का बी के सापेक्ष वेग, ए का बी के सापेक्ष वेग है ना। तो बराबर क्या होता है, वी ए माइनस वी बी, जो सापेक्ष होता है जिसके रिस्पेक्ट में निकालते हो, जो रिस्पेक्ट देता वो हमेशा पीछे होता है, रिस्पेक्ट देने वाला हमेशा कहाँ खड़ा होता है, पीछे होता है। इसलिए वी ए बी बराबर वी ए माइनस वी बी। जैसे कि चोर जो भागते हैं पुलिस को देख के भागते हैं, तो वी चोर विद रिस्पेक्ट टू पुलिस, तो पुलिस पीछे चोर आगे, तो वी चोर माइनस वी पुलिस, ठीक है। तो ये सापेक्षिक वेग का फॉर्मूला है, ठीक है ना। तो वी ए माइनस वी बी ये होता है ए का बी के सापेक्ष, है ना, ए का बी के सापेक्ष। तो जो सापेक्ष में होगा वो पीछे रहेगा। अब देखिए, यदि अगर असमान दिशा में है तो ये वी ए है, और यहाँ पे अलग डायरेक्शन में है ये, तो वी ए की दिशा धनात्मक है, तो इसे क्या लेंगे आप लोग पीछे की तरफ, ये माइनस वी बी बनेगा। तो अगर दो अलग अलग दिशाओं में गाड़ियाँ चल रही हैं, तो सापेक्षिक वेग ए का बी के रिस्पेक्ट में क्या होगा, वी ए माइनस वी बी, है ना, क्योंकि यहाँ पे वी बी अपोजिट दिशा में है, तो माइनस तो करोगे बट वी बी का वेग ऋणात्मक दिशा में है, तो माइनस वी बी हो जाएगा। आंसर हो गया वी ए प्लस वी बी। यही कारण होता है जब आप ट्रेन में बैठे होते हो, आगे की दिशा में ट्रेन जा रही होती है और पीछे की दिशा में एक ट्रेन क्रॉस होती है, तो आपको अपनी ट्रेन का वेग बहुत ज़्यादा प्रतीत होता है, क्योंकि उस समय कुल वेग जुड़ चुका होता है, वी ए प्लस वी बी। तो यदि कुछ समझ में नहीं आया हो तो एक ही फॉर्मूला याद कर लो, समान दिशा में वी ए माइनस वी बी और विपरीत दिशा में वी ए प्लस वी बी, ये दो फॉर्मूले सापेक्षिक वेग के। चलिए आइए अगला क्वेश्चन करते हैं, जो क्वेश्चन पूछा गया है। तो बी का ए के सापेक्ष कौन है भैया सापेक्ष में, ए, तो मतलब ये क्या बनेगा, वी बी माइनस वी ए, तो ये बनेगा वी बी माइनस वी ए। अब देखो ए का वेग कितना है, यू, मतलब यू पीछे जाएगा और वी आगे आएगा, तो लो भाई साहब आंसर आ गया वी माइनस यू। इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए, तो इसका ऑप्शन नंबर है ए वी माइनस यू। बोलिए समझ में आया कि नहीं आया। समझ में आया, बोलो मित्रों। जी जी। अगला सवाल, एक कण का 36 से 30 डिग्री कोण बनाते हुए 2943 सेंटीमीटर पर सेकंड के वेग से फेंका जाता है, और जी का मान दिया है 981 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो CGS में दिया गया है, आप बिल्कुल आराम से सॉल्व कीजिए, कुछ बदलने की ज़रूरत नहीं है, जल्दी से निकालिए उड्डयन काल क्या होगा। 2u sin theta का फॉर्मूला लगाइए, 2u sin theta by g, सिंपल सवाल एकदम। बताइए, कितना होगा? 3 आया सर।
3 सेकंड सी आया, सी नहीं बी आया आपने, 3 सेकंड बी ऑप्शन, बी 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 3 सेकंड आया सर, बी आया, बिल्कुल सही है आंसर है 3 सेकंड, धन्यवाद। चलिए भाई, हाँ अब देखो भैया रट लो, ये क्वेश्चन टीजीटी में भी आ सकता है। त्रिज्या ए के पतले अर्धगोलीय कोष की उसके केंद्र से दूरी क्या होगी? सुनिए भैया, आपके पास कोई अर्धगोलीय कोष है, आधा गोला वाला कोष है, और ये इसका केंद्र होता है कितनी दूरी पर, मान लो ए दूरी पर, और इसका गुरुत्व केंद्र बिल्कुल बीच में होता है ए बाई टू, तो दोनों के जब टोटल दूरी ए है तो इस वाले केंद्र से लेके इस वाले केंद्र की दूरी क्या होगी? ए बाई टू, कितनी ऊंचाई पे होगा? ए बाई टू, तो इसका आंसर बी होना चाहिए, आंसर इसका बी होता है, देखिए हाँ करेक्ट आंसर, नोट कर लो। अब ये आप चाहे आपसे बनता हो तो भी रटना पड़ेगा, नहीं बनता हो तो भी रटना पड़ेगा, इसलिए भैया रट लो, क्योंकि गुरुत्व केंद्र हमने भी सारे रट रखे हैं, भले फिजिक्स में इस्तेमाल होते हैं, हमको सब रटे हुए हैं, कुछ कुछ रटे हैं, सब तो नहीं रटे, इतना नहीं रट पाते। ठीक, क्लियर हो गया बच्चों? दोस्तों युवराज, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। हाँ, निर्वात में किसी प्रक्षेप का पथ होगा, देखिए भैया आपने प्रक्षेप की बात कर दी है और निर्वात में प्रक्षेप का पथ होगा, अगर वैसे तो देखा जाए तो निर्वात में ग्रेविटी, निर्वात में जो है ग्रेविटी लगती नहीं है, सॉरी ऐसा बिल्कुल नहीं कि निर्वात में ग्रेविटी लगती है, निर्वात जो है अलग बात है, ग्रेविटी अलग बात है, निर्वात में दबाव शून्य होता है, P बराबर जीरो होता है, याद रखिएगा, जो निर्वात होता है निर्वात प्रेशर जीरो, हाँ प्रेशर जीरो होता है, जीरो प्रेशर की स्थिति को निर्वात कहते हैं। परवलय बन जाएगा क्या सर? मगर नहीं सर, परवलय बनेगा सर, कोई दिक्कत नहीं होगी, अगर आप जा करके चांद में निर्वात है वहाँ पर गैसेस नहीं है मान लीजिए, है ना, तो जिन जगहों पर गैस नहीं है मगर ग्रेविटी है, अगर आप वहाँ पर जा करके एक बॉल को झटका देंगे तो वो बॉल परवलय ही बनाएगी, तो इसका आंसर परवलयकार ही होगा, क्योंकि निर्वात में सर प्रक्षेप पथ परवलयकार ही बनेगा, वहाँ पे प्रेशर नहीं होगा, तो प्रेशर से कोई दिक्कत नहीं है ना भाई, गुरुत्व तो लग रहा है, हाँ वहाँ पर गुरुत्व लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए डन डन, हाँ चलिए अगला करिए। किसी प्रक्षेप की क्षैतिज परास उसकी महत्तम ऊंचाई का 4 गुना है, तो प्रक्षेप कोण का मान क्या होगा? बताइए, किसी प्रक्षेप की महत्तम ऊंचाई, क्षैतिज परास उसकी महत्तम ऊंचाई का 4 गुना है, 45 डिग्री होगा, बिल्कुल 45 डिग्री, तो बिल्कुल बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, हाँ इम्पोर्टेंट है, और कई बार इसको कर चुके हैं, और इसका मैंने डायरेक्टली आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताई है, वैसे इतनी मेहनत करने की कोई ज़रूरत होती नहीं है, इसमें सिंपल तरीके से आ जाता है ना, मैंने इसकी शॉर्ट ट्रिक आपको बताई थी, याद कीजिए, आर और एच का कोई भी, रतन चोर है, बिल्कुल सही, आर 10 रतन चोर है बराबर 4H, तो इसमें क्या कह रहा है कि यदि रेंज जो है वो 4 गुना है, रेंज जो है वो 4 गुना है, तो रेंज जो है 4 गुना है किसका? हाइट का, तो हाइट को x मान लीजिए तो रेंज कितनी हो जाएगी? 4x, अगर हाइट को आपने x मान लिया तो रेंज हो गई 4x, और tan थीटा वैसे ही विराजमान रहेगा, 4x से 4x कैंसिल, tan थीटा बराबर हो गया 1, तो थीटा बराबर 45 डिग्री, 5/4। रतन चोर है मतलब, सर फिर से बता दीजिए एक बार क्या लिखा है? सर ये ट्रिक होती है, रतन चोर है, मैंने पहली क्लास में बताया था, ये एक्चुअली ट्रिक का नाम है आर व एच में संबंध, अच्छा ये आर व एच में संबंध है, तो आर माने रा, टेन थीटा मतलब तन, रतन, और वो चोर, चार है को अपन चोर है बना दिए कि याद रह जाए, अच्छा अच्छा ठीक सर, आर टेन थीटा इक्वल टू 4, बिल्कुल। चलिए अगला क्वेश्चन पीजीटी में आया है, वैसे आपके टीजीटी में आएगा नहीं, जब दो पूर्ण बराबर प्रत्यास्थापस गोले में टकराते हैं तो उनका वेग केंद्र, भैया प्रत्यास्थ संघट में प्रत्यावस्थान गुणांक E बराबर 0 होता है, और अगर कोई बॉडी पूर्ण प्रत्यास्थ संघट करती है, ये है U1 और ये है U2, तो टकराने के बाद इसका पहले वाले का U2 हो जाता है, और ये क्या होता है?
यू वन हो जाता है। और दोनों के सब जो टकराने वालों के वेग सदिश होते हैं, इनका जो केंद्र होते हैं, ये एक ही रेखा में पूरी प्रोसेस हुआ करती है। तो अब पढ़ते हैं ऑप्शन क्या दिया हुआ भैया। हाँ, उनके वेग का केंद्र के अनुदिश होगा। आपस में बदलने में भैया, आपस में बदल जाएंगे ना, आपस में बदल जाते हैं। तो देखिए, सब कुछ नहीं करना है। यदि क्वेश्चन भी आता तो मेरे को ना V1 निकालना, ना V2 निकालना, मेरे को तो पता है बदल जाते हैं तो बदल जाते हैं, बात ख़त्म। चलिए, ये फिर से करप्ट हो गया है, मेरे को एक बार फिर से इसको सही करना पड़ेगा। एक सेकेंड, थोड़ा समय दीजिए मेरे को। स्लाइड नंबर 80। तब तक आप लोग ये क्वेश्चन नोट कर लीजिए, जब तक ये हो रहा है तब ये क्वेश्चन नोट कर लीजिए। और ये ख्याल से, मेरे ख्याल से हम करा चुके हैं ये सर, है ना, ये क्वेश्चन कल कराया था। हाँ, 31 करा चुके हैं, तो रहने दीजिए, इसको मत करिए। हाँ, अगला क्वेश्चन भैया बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का आ गया है। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन आ गया है। अब क्यों आ गया है, ये आपके टेस्ट पेपर वाली किताब में रख दिया था तो मैंने भी क्रॉप कर लिया। अब याद रखिए सर, आपको पता होगा बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में दो चीज़ आती है, एक होता है मीन और एक होता है वेरियंस, है ना। और बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन होता क्या है, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन होता है पी प्लस क्यू की पावर एन। इसको खोलते हैं, जहाँ पर पी और क्यू जो है, इन दोनों का मान प्रोबेबिलिटी में पी प्लस क्यू बराबर होता है 1। पी मतलब होने की प्रायिकता और क्यू मतलब अनहोनी की प्रायिकता, जहाँ पर क्यू बराबर 1 माइनस पी। तो अगर जो बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनता है तो उसमें मीन का मान क्या होता है, माध्य। सूरज सर याद है माध्य कितना होता है? हेलो। नहीं नहीं सर, सर माध्य बराबर, माध्य बराबर एन पी होता है सर, माध्य बराबर एन पी। और जो सर वो होता है वेरिएंस, को हिंदी में क्या बोलते हैं सर, विवर्तन, विचरण, क्या बोलते हैं सर वेरिएंस को, मानक विचलन, स्टैंडर्ड विचलन, वो स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड। रुक जाओ भैया, इसको क्या बोलते हैं वेरिएंस को, प्रसरण, प्रसरण, एन पी क्यू। नोट कर लीजिए भैया, वेरिएंस, इंग्लिश में वेरिएंस बोलते हैं। और एक हम इन बोलत हैं, ठीक है सर, ठीक है सर जी। मीन बराबर एन पी और वेरिएंस बराबर एन पी क्यू। और याद रखिएगा, पी प्लस क्यू बराबर 1 होता है। डन। सूरज सर सही बता रहे हैं? आप सर, आप बता रहे हैं सर, मुझे आइडिया नहीं इसका सर। अरे सर, आप एक बार और बता दीजिए इसको। बिल्कुल बता देता हूँ एक बार और। देखिए क्या है इसमें, आपके पास अभी आपने पढ़ा नहीं होगा, जब हम आपको प्रोबेबिलिटी पढ़ाएंगे, प्रायिकता पढ़ाएंगे, तब हम आपको पढ़ाएंगे बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। हिंदी में याद आ गया हमको, जिसको बोलते हैं द्विपद बंटन, इसको कहते हैं द्विपद बंटन। तो द्विपद बंटन में क्या होता है, पी प्लस क्यू बराबर एन, ठीक ना, पी प्लस क्यू बराबर एन, जहाँ एन होती है नंबर ऑफ ट्रायल, ट्रायल की संख्या, अटेम्प्ट की संख्या, नंबर ऑफ ट्रायल, यादृच्छिक प्रयोगों की संख्या, एन होती है नंबर ऑफ ट्रायल, और पी और क्यू जो होती हैं सफलता और असफलता होती है, पी और क्यू, और सफलता और असफलता का योग कितना होता है 1, है, तो क्यू बराबर 1 माइनस पी। इस अवस्था में जो माध्य होता है, जब इसका स्टैटिस्टिक्स बनाते हैं, इसका सांख्यिकी बनाते हैं, तो माध्य बराबर निकलता है एन पी। और इस अवस्था में जो विसरण निकलता है, इस अवस्था में जो आपका स्टैंडर्ड डेविएशन यानी कि एसडी निकला करता है, एसडी कितना निकला करता है, यहाँ पर एसडी आपका निकला करता है, स्टैंडर्ड डेविएशन मतलब मानक विचलन, मानक विचलन, हाँ मानक विचलन बोलते हैं, स्टैंडर्ड को मानक बोलते हैं और डेविएशन को विचलन बोलते हैं,
और स्टैंडर्ड डेविएशन होता है अंडर रूट एन पी क्यू। और आप सबको पता होगा जो वेरिएंस होता है वो मानक विचलन का स्क्वायर होता है, तो इसका स्क्वायर कर दो तो अंडर रूट एन पी क्यू का स्क्वायर क्या हो जाएगा, एन पी क्यू, और वेरिएंस मतलब प्रसरण। अब नोट कर लीजिए इसको, इसमें दिमाग मत लगाइए क्योंकि ये सीधा सीधा फॉर्मूला इसका यही आएगा, और प्रोबेबिलिटी जब पढ़ाएंगे तो ये तीनों ही फॉर्मूला से पूरा चैप्टर हो जाएगा, मतलब बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन वाला, द्विपद बंटन वाला पूरा इसी से हो जाएगा। और एक और फॉर्मूला लगता है, आपको याद दिला देते हैं, एक्स बराबर आर सफलताओं के लिए केस, एन सी आर सफलता की पावर आर, असफलता की पावर एन माइनस आर। ये होता है किसका, प्रायिकता, आर सक्सेज की प्रायिकता, आर सक्सेज की प्रायिकता। डन। हेलो, हाँ हाँ सर, क्लियर है सर, ठीक, क्लियर है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, अगला सवाल भैया, अगला सवाल जो है पीजीटी 2010 का है, परंतु थोड़ा सा इसमें टीजीटी में भी आने की योग्य है। 12 किलोमीटर प्रति घंटे के वेग से उत्तर दिशा की ओर जाने वाले एक जहाज को 10 किलोमीटर पूर्व में एक जहाज दिखाई देता है जो 16 किलोमीटर प्रति घंटे के वेग से पश्चिम की ओर जा रहा है। कुछ समय पश्चात वे एक दूसरे से न्यूनतम दूरी पर होते हैं, उस समय उनके बीच की दूरी क्या होगी। चलिए करिए इसको, मैं एक मिनट एक कॉल कर लूँ, मुझे अर्जेंट कॉल आ रहा है, तो आप लोग इसको करिए, मैं तब तक कॉल कर रहा हूँ। हाँ, अरे माधव, आना है, ठीक है, आ रहे हैं थोड़ी देर से, हैं, चलो। चलिए ठीक है मित्रों, आज मेरे को थोड़ा जाना था कहीं, इसलिए मैं जल्दी क्लास ले लिया था। आज की क्लास 9 बजे से 10 बजे तक ठीक एक घंटे चली है, और आज मैंने एक और बैच है जिसमें मैंने लिमिट भी पढ़ाई है, है ना, तो वो लिमिट के वीडियोस मैंने ऊपर अभी ग्रुप में डाल दिए हैं, तो जो लोग ये इसका क्वेश्चन कल करके लेके आइएगा आप लोग। हिना मैम बताइए क्या पूछना है। हाँ बोलिए मैडम। सर ये बोल रहे थे जो आप यूथ के क्वेश्चंस करा रहे हो वो मतलब इतने एग्जाम्स के लिए इनफ है क्या। मैडम बहुत इनफ है, बहुत इनफ है, हम क्या बताएं आपको, पिछले बार का पेपर अगर जो यूथ पूरा करके चला गया होता ना, बहुत अच्छे से उसका पेपर निकल गया होता। अरे सर हमारे जानकारी में दो लोग यूथ से ही क्वालिफाइड किए, हम लोग ओवर कॉन्फिडेंस है, जितने वो यूथ से पढ़ के पास हो गए। जी सर यही डाउट था मुझे कि मतलब इतने क्वेश्चंस इनफ है कि नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ, टीजीटी में यदि कोई बाहर करता है तो वो है आपकी स्पीड, बस ज्ञान तो इतना लेके जाते हैं विद्यार्थी, मगर स्पीड में बहुत ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि स्पीड बढ़ाते हैं तो एक्यूरेसी ख़राब हो जाती है, और एक्यूरेसी के पीछे जाते हैं तो स्पीड कम हो जाती है। बाकी बिलीव रखिए यूथ बहुत अच्छा तरीके से आप कर लेंगे, आपको पूरा चला जाएगा, और 3 महीने में आप यूथ कर लें वो बहुत बड़ी बात है, लगता है हो जाएगा, जब पूरा दिन लग जाता है एक एक चैप्टर में, एक दिन भी क्या 3-4 दिन में होता है एक चैप्टर। ठीक है सर। जी सर, थैंक यू सर। ठीक है तो उसको कर लीजिए, है ना, बढ़िया रहेगा। ठीक है सूरज सर। हाँ सर, जो मैंने क्वेश्चन भेजा उसको कब करवाएंगे सर, थोड़ा थोड़ा। सर बिल्कुल कराएंगे, वो बहुत आसान क्वेश्चन है, मैंने देख लिया आपके क्वेश्चन, और आप ठीक है सर, वो मैं करा दूंगा, है ना, कल करा दूंगा। ठीक है सर, ठीक है सर, उनको सभी को करके अपन कल करा देते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही। हाँ सर, क्या पूछ रहे हैं रुचि मैडम, बताइए। रुचि मैम पूछ रहे हैं टेलीग्राम का ग्रुप हम लोगों का, मैम एक व्हाट्सएप ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप से सभी ऐड हो जाते हैं, टेलीग्राम पे तो हमें सूचना देना पड़ता है, हमने DSSB का जो बना हुआ है टेलीग्राम ग्रुप उस पर अपना व्हाट्सएप का लिंक भी डाल दिया है, इस पर आ जाएं, क्योंकि देखिए टेलीग्राम पे डेली लिंक डालने पर वहाँ पर भी लोग प्राइवेसी लगा देते हैं,
लोकेश सर। हाँ 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 सही बात है, टेलीग्राम पे अगर हम लिंक डालेंगे तो डेली संभव नहीं हो पाएगा और इंडिविजुअली डेली एक एक लोगों को तो मैं लिंक भेज नहीं पाऊंगा। नहीं सही बात है, आप लोग क्या है कि आप लोग आ जाइए ग्रुप में। बिल्कुल बिल्कुल आ जाइए ग्रुप में और बढ़िया क्वेश्चन ऑप्शन भी करेंगे तो और अच्छा लगेगा। मैथमेटिक्स नाम से है, मैथमेटिक्स टीजीटी नाम से है। सर लिंक एक मिनट सर, अभी अपन जिस पे है ना सर, ऐसा है ना सर, लिसन हाँ। ये नंबर सर मेरा या अपना आप बता दीजिए, हेलो कर दें लोग तो मैं उसी पर सबको ऐड कर लेता हूँ। हाँ हाँ बिल्कुल सही बात है, देखिए कल भी बताया था हमने, आप लोग प्लीज हाँ, नंबर हाँ। नोट कर लें हमारा 9425184292, इस पे आप लोग बस एक हेलो हाँ, कर दें, हाय लिख दें हाँ, हाँ, और उस पर ऐड कर दीजिएगा, लिंक दे देंगे तो आप उसको टच करके ऐड हो जाएंगे, ठीक है ना जी। सर एक बार नंबर और बता दीजिए, ये लिखा हुआ है स्क्रीन पे देखिए 9425184292 94251 84292, ठीक है ना। आप बस हमारा नंबर सेव कर लें, हमें आपका नंबर सेव भी नहीं करना है, केवल वो एक बार ग्रुप में आने के लिए चाहिए है, जैसे नंबर आएगा हाँ तो आपको हम लिंक मैसेज कर देंगे, आप ऐड हो जाइएगा। चलिए मित्रों तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने आज अपना बहुमूल्य समय निकाला पढ़ने के लिए, ठीक है, और कल करेंगे और बढ़िया इसके क्वेश्चन, और फिर जैसे ही स्टैटिक्स डायनेमिक्स शुरू होगा तो हमारे सूरज सर मैथ्स का तूफान मचाने के लिए आप सबके साथ तैयार रहेंगे, ठीक है मित्रों धन्यवाद नमस्कार। बिल्कुल सर, आज सर करिए सर, मैं भी स्टार्ट करता हूँ बहुत जल्दी, थोड़ा सेटअप मेरा मेंटेन हो जाए कुछ। डोंट वरी सर, तब तक हम हैं, जैसे हो जाए। ओके सर, गुड नाइट सर। गुड नाइट सर। हेलो सर। जी जी मैडम बोलिए। दूसरी क्लास जो हुई थी वो शाम को हुई थी, उसमें जेई वाला बैच चलता है जो उसके साथ हुई थी, तो उसके वीडियोस मैंने आपको ग्रुप में डाल दिए हैं, उसका वीडियो ग्रुप में डाला हुआ है, ये टीजीटी मैथ वाले ग्रुप में है ना, जिसमें सूरज सर जुड़े हैं, एडमिन है जिसके, तो आप उसकी लिंक वहाँ से ग्रुप से ले लीजिएगा। आप उस ग्रुप में जुड़ी हैं क्या? पांडे जी आपने पूछा है सर लामीज थ्योरम का वीडियो कहाँ है, सर मैं आपको पूरा टीजीटी का पैकेज दिए देता हूँ, उसमें सारे टीजीटी के लिंक डले हुए हैं सर, उसमें से जो वीडियो आपको देखना हो देख लीजिए, मैं आपको पूरी प्लेलिस्ट दे देता हूँ टीजीटी पीजीटी की, जितने भी वीडियो आएंगे वो इसी प्लेलिस्ट में आएंगे, पूरे के पूरे इसी प्लेलिस्ट में आएंगे, ये प्लेलिस्ट मैंने आपको ग्रुप में शेयर कर दी, एक मिनट लगेगा रुक जाइए, पूरे वीडियो इसमें हैं, आपकी क्लास अगर छूट भी जाएगी तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, इसी में आपको मिल जाएगा, ये मैंने शेयर कर दिया 1 2 3, ये लीजिए सर देख लीजिए, हाँ अब मैंने शेयर कर दिया है, ये प्लेलिस्ट है सर यूपी टीजीटी पीजीटी की, जितने हमारे क्लास के वीडियो बनते हैं सब इसी प्लेलिस्ट में आपको मिलेंगे, क्लास नंबर 1 से लेके जितनी प्लेलिस्ट है पूरी इसी मिलेगी आपको, अब इसको पढ़ते जाइए आप सर, आज का डाला है लिमिट का, लिमिट के वीडियोज़ हैं आज के, पढ़ लीजिए, ठीक है मित्रों। और कोई सवाल सर? मैंने अभी आपको मैसेज किया है सर, मुझे प्लीज़ ऐड कर लीजिए आप। श्योर sure, सर श्योर sure. बस मैं आपको लिंक शेयर ही कर रहा हूँ जी। थैंक यू सर। वेलकम। ठीक है मित्रों, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, नमस्कार।